नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच इन दिनों जो गहराई है वो और भी ज्यादा गहरी होती जा रही है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद से ही लगातार आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। जैसे ही नतीजे आए थे उसके बाद आरएसएस सरसंचालक मोहन भागवत का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बायोलॉजिकल होने वाले जो बयान थे उनको लेकर सवाल उठाए थे। उसके बाद अब बिहार में एक सभा को संबोधित करते हुए सरसंचालक ने इनडायरेक्टली ही सही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने का काम किया है। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि इंसान को पहले सुपरमैन बनना होता है, फिर उसे देवता बनना होता है और फिर उसकी इच्छा ये करती है कि वो उससे भी आगे निकल जाए। अब उनके इस स्टेटमेंट को लेकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस जो है वो मोहन भागवत के बयान के एक चंक को लेकर काफ़ी हमलावर हो चुकी है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रही है। वहीं भाजपा जो है उसका ये कहना है कि सरसंचालक ने नरेंद्र मोदी पर निशाना नहीं साधा, उन्होंने एक जनरल टर्म में इस बात को कही। लेकिन अंदर खाने ही सही, कहीं ना कहीं जो नाराज़गी है आरएसएस की वो दिखाई दे रही है और इस नाराज़गी का असर आने वाले चुनाव में कितना होगा जो कि महाराष्ट्र में है वो भी देखना ज़रूरी है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आज हम बात करेंगे विकास मिश्रा जी से जो लोकमत हिंदी के उप संपादक हैं और नागपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आरएसएस और बीजेपी के बीच इन दिनों क्या चल रहा है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि मोहन भागवत ने क्या कहा था। मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते, सुपरमैन फिल्में वगैरह निकलती उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियाँ जिनके पास होती हैं, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है, लेकिन वहाँ रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो वो देवता बनना चाहता है, लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता है, और भगवान कहता है कि मैं तो विश्वरूप हूँ, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूँ, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है वो असली मैं, वो वहाँ भी कुछ है क्या रुकने की जगह कि वहाँ से भी आगे कुछ है ये कोई जानता नहीं है, ऐसे कह नहीं सकता, नहीं है ऐसे भी कह नहीं सकता, लेकिन एक बात जरूर इससे कहते लोग कि विकास का कोई अंत नहीं है। तो इस तरह से मोहन भागवत ने ये स्टेटमेंट दिया था और इसमें जो उन्होंने सुपरमैन और देवता और फिर भगवान बनने की जो इच्छा वाली बात कही है उसको लेकर कहीं ना कहीं निशाना साधने का काम किया गया है। हमारे साथ विकास जी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इन सारी चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। सर स्वागत है आपका लोकमत हिंदी में। सर आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि मोहन भागवत ने एक बार फिर से इस तरह का स्टेटमेंट दिया है जिससे इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया जा रहा है, आप किस तरह से देखते हैं मोहन भागवत के और आरएसएस के पिछले कुछ दिनों के इन स्टेटमेंट्स को? देखिए, एक बहुत बुनियादी सी बात मैं आपको बताता हूं कि जब हम मोहन भागवत का नाम लेते हैं और नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं दोनों में फर्क है। फर्क यह है कि नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति है और मोहन भागवत एक व्यक्ति नहीं है, मोहन भागवत एक संस्था है, चाहे मोहन भागवत हो या उनके पहले सुदर्शन जी हो, जो भी सरसंघ चालक की कुर्सी पर बैठता है वो एक विचारधारा का प्रतिनिधि होता है, वो व्यक्ति नहीं होता है। व्यक्ति बदल सकते हैं लेकिन वो संस्था ऐसी है कि उसकी विचारधारा जो बुनियादी तौर पे जो विचारधारा स्थापित की गई थी वही विचारधारा आज भी है उसकी। तो व्यक्ति के साथ क्या होता है कि वक्त जब बदलता है तो उसके वक्त के हिसाब से उसका स्वभाव भी बदलता है, उसके भीतर के फीलिंग्स बदलती है। तो ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा हो रहा हो और इसको राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ महसूस कर रहा हो कि
जिस नरेंद्र मोदी को उसने आगे बढ़ाया था, जो नरेंद्र मोदी उसकी विचारधारा को आगे लेकर के गए, एक काफी महत्वपूर्ण तरीके से उसको स्थापित किया देश में, वो नरेंद्र मोदी शायद लीक से अलग हट रहे हैं। ये एक स्वाभाविक सी बात है कि संघ को ये महसूस हो रहा हो। जब महसूस होता है तो देखिए, व्यक्ति महत्वपूर्ण, मैंने पहले कहा कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। संघ का काम है कि वो अपनी विचारधारा पे चले, और जो उसकी विचारधारा से जरा सा भी इधर उधर टिकता हुआ दिखे, या संघ को ये लगे कि आने वाले वक्त में ये व्यक्ति हमारा बहुत बेहतरीन टूल नहीं हो सकता है। मैं टूल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि वो जी संस्था है, संस्था में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, वहां हर व्यक्ति टूल है। तो वैसे में ये अब संभावी हो जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं, जो उसके सबसे मुखिया हैं, उनका ये काम, जिसको कहते हैं ना सामान्य भाषा में कि लगाम खींचना, तो इन जी सारे जो बयान हैं इसको लगाम खींचने के तौर पे देखा जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी के बयान आए, और आप उसको दो नजरिए से देख सकते हैं। आप अगर नरेंद्र मोदी के नजरिए से देखें तो आपको लगेगा कि वो आध्यात्मिक हो गए हैं, कि एक व्यक्ति जी जो है वो, उन्होंने कहा कि भाई, उन्हें कई बार महसूस होता है कि वो बायोलॉजिकल नहीं है नहीं वो। है तो ये जो सेंटेंस होता है, ये हम ब्रह्मास्मि, एक भारतीय सनातन परंपरा में हम जी ब्रह्मास्मि का जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट में कई बार मनुष्य को ये एहसास होता है, उस मुकाम पे हो सकता है पहुंचा भी हो, और हो सकता है ना पहुंचा हो, लेकिन उसको ये महसूस हुआ हो, ये भ्रम हुआ हो। तो आखिर इसको तोड़ेगा, क्योंकि कोई तो जी व्यक्ति होना चाहिए ना जो तोड़ेगा, तो व्यक्ति नहीं है, संस्था है फिर। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसी स्वरूप, इसको दरार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। चूंकि देखिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक ऐसी संस्था है जहां दरार नाम की कोई चीज नहीं होती है, वहां या तो हाँ या फिर ना, बीच में कहीं समझौते जी वाली स्थिति नहीं होती है। दूसरी बात, जो एक बहुत, इसके पहले भी हो चुका है, सुदर्शन जी के समय में एक घटना है, इसका कई जगह पे जिक्र भी आया है, कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और उन्होंने प्रमोद महाजन और एक व्यक्ति और थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनको मंत्री बनाने के लिए भेज दिया गया था, और उसके बाद के सुदर्शन वहां पहुंचे थे, और कहा जाता है कि उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की, और उसके बाद वो नाम वापस ले लिए। तो इस तरह की चीजें पहले होती रही हैं। हाँ, अब स्थिति यह है कि एक जो सामान्य भाव है जो लोगों के मन में है, कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह, मैं नरेंद्र मोदी कहना चाहूंगा, कि वो अटल जी बिहारी वाजपेयी जैसे इतने लिबरल नहीं है कि वो संघ की सुने। तो हो जी सकता है कि कहीं संघ के वो ना सुन रहे हो, और इस बात को लेकर के संघ नाराज हो। तो मैं इसको इस नजरिए से जी देखता हूं कि संघ अपनी विचारधारा पे चल रहा है, और जो उसकी विचारधारा से डिगता हुआ नजर आता है, या संघ को लगता है कि अब शायद हमें जो चाहत है वो चाहत उतनी पूरी नहीं हो रही है, तो फिर संघ लगाम खींचता है। मैं इसको इस नजरिए से देखता हूँ। जी सर, लेकिन पिछले अगर देखिए या तो 7-8 सालों में ये महसूस किया गया है संघ की तरफ से भी, कई बार स्टेटमेंट भी आया है कि जो संघ की लाइन है उस लाइन में सत्ताधारी बीजेपी नहीं चल रही है। बीजेपी संघ को जो है वो अब काफी ज्यादा छोटा समझने लगी है। कई बार ऐसे फैसले जो है लिए गए जो संघ जो है जिसे एक तरह से एक्सेप्ट नहीं करता था, और कहा जा रहा है कि उस वक्त से ही लगातार ये जो रिफ्ट है बीजेपी में और संघ के बीच जो है ये लगातार बढ़ती गई। तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब आरएसएस को लगा कि अब जो सत्ता पे बैठी हुई बीजेपी है वो अब आरएसएस से कहीं आगे निकलना चाहती है? देखिए, इसके इसके पहले अगर आप ध्यान दें तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, खास करके जब ये इसके पहले का चुनाव हुआ, और उस जी चुनाव में संघ की जो एक अंदरूनी भूमिका होती है, संघ भले ही ये कहे कि उसका कोई लेना देना नहीं है, और मोहन जी भागवत जी ये कहते रहे हैं कि साहब, हम तो जो सलाह मांगता है उसको सलाह देते हैं, जो सलाह नहीं मांगता है, सहयोग नहीं जी मांगता है, उसको नहीं देते हैं। लेकिन जी हकीकत तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद में आरएसएस ही है,
रहा भी है और है भी, आज भी वही स्थिति है। तो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले स्थितियां ऐसी आ गई थी कि जो टिकट बंटवारा हो रहा था उसमें, उस समय मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ की भूमिका बहुत प्रमुख नहीं रह गई। क्या होता है कि जब छत्र पैदा हो जाते हैं, जब बड़े लीडर पैदा हो जाते हैं, जैसे एक उदाहरण दूं आपको कि ये अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी अपनी राह पर चलते हुए भी टकराव का रास्ता नहीं लेते थे, या वो संघ संघ के सामने समर्पित भले ही ना होते हों लेकिन संघ की सलाह जरूर लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि एक धारणा ये संघ के भीतर भी पंती चली गई, खास करके मैं संघ के कार्यकर्ताओं से, बहुत सारे कार्यकर्ता हम लोगों के संपर्क में रहते हैं कई बार और ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत भी होती है, तो वहां एक ऐसी स्थिति आ गई जहां संघ के कार्यकर्ताओं को ये लगने लगा कि हमारी पूछ पड़ख उतनी नहीं है। हालांकि इसके विपरीत भी हुआ, इसके विपरीत ये हुआ कि संघ का कोई कार्यकर्ता है जिसको पहले कोई नहीं जान रहा था, वो अचानक से किसी शहर का मेयर बना दिया गया, और ये संघ की वजह से ही हुआ, क्योंकि कोई शहर उसको बहुत जान नहीं रहा था। मैं बहुत बड़े शहर इंदौर की बात कर रहा हूँ कि वहां जिनको मेयर बनाया गया वो कोई बहुत पब्लिक फिगर नहीं थे, लेकिन उनको बना दिया गया। तो संघ की बात सुनी भी गई है, लेकिन कुछ बड़ी जगहों पे संघ की बात शायद नहीं सुनी गई, और कहीं संघ को ये लगने लगा कि नरेंद्र मोदी का जो कद संघ की छाया में होना चाहिए था, वो नरेंद्र मोदी के अपने कार्यों से या नरेंद्र मोदी के की कार्यशैली के कारण उनका कद बड़ा हो गया। तो कभी भी कोई संगठन कभी नहीं चाहता कि किसी व्यक्ति का कद बड़ा, क्योंकि संगठन हमेशा बड़ा होता है, संगठन की बुनियाद ही ये होती है कि संगठन बड़ा है। और यही कारण है कि आज आप देखिए कि संघ के इतने सारे सरसंघ चालक हुए हैं, लेकिन कोई भी सरसंघ चालक संघ से ऊपर नहीं हुआ है। तो ये पहली बार, इवन इवन अटल बिहारी वाजपेयी संघ से बड़े कभी नहीं हो पाए, या आडवाणी आडवाणी जी को आप देखें कि उन्होंने तो संघ की विचारधारा को राम का जो वो स्वरूप था, तीखा स्वरूप था, उसको ला करके और स्थापित करने में वो इतनी बड़ी भूमिका निभाई, जो राम मंदिर का आज कंसेप्ट है वो इतनी बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई, लेकिन वो भी कभी संघ के कद से बड़े नहीं हुए। तो संघ इस बात को लेकर के नाराज हो सकता है। तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 2014 में तो कोई दिक्कत नहीं थी, 2019 में भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन 2019 के बाद ये दिक्कतें पैदा होना शुरू हो गई थी धीरे धीरे, और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ये ज्यादा ये रहा। दूसरा कि संघ बहुत सारी चीजों से सहमत नहीं था, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जो तोड़फोड़ की, मैं महाराष्ट्र की चर्चा करना चाहूंगा, जो महाराष्ट्र में तोड़फोड़ हुई या दूसरी जगहों पर तोड़फोड़ हुई, संघ इस तोड़फोड़ के खिलाफ था। संघ का ये मानना था कि हमको 100 साल लगे हैं यहाँ पहुंचने में, तो हमको थोड़ी दूरी और तय करने में कुछ और साल लग जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सत्ता की अपनी एक गति होती है, सत्ता में जो होता है ना उसको बड़ी जल्दबाजी होती है, वो बहुत तेज रफ्तार चलना चाहता है, तो उस तेज रफ्तार और ये एक समझ, इसके बीच में कहीं तालमेल नहीं था, इस कारण से लोकसभा चुनाव के पहले स्थिति ज्यादा कठिन हो गई। आपको याद होगा जेपी नड्डा ने तो ये भी कह दिया था कि भाई बीजेपी पहले छोटी थी तो संघ की जरूरत थी, या बीजेपी अपने शक्ति पे हो गई है तो संघ इसको कैसे बर्दाश्त कर लेगा। तो है कहीं ना कहीं एक भीतर में, लेकिन मैं उसको दरार नहीं कहूंगा, मैं उसको कहूंगा संघ की नाराजी है। संघ आज भी बड़ा है, बीजेपी से आज भी बड़ा है संघ। जी सर, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले की मैं बात करूं तो 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त ही ये सारी चीजें शुरू हो गई थी, जो नाराजगी संघ की थी वो हमें देखने मिली थी। संघ जो है उस वक्त कई बार जो है जो एग्रेसिव हिंदुत्व का जो मुद्दा बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा था उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर की गई थी संघ की तरफ से। खुद मोहन भागवत ने जब इस तरह की चीजें चल रही थी 2019 में, तो उस वक्त भी उन्होंने मुस्लिम लोगों को जो है आरएसएस में ज्वाइन करवाने की बात तक कही थी। तो ये सारी चीजें उस वक्त हो रही थी जो ये बता रही थी कि आरएसएस जो है वो बीजेपी की जो उस वक्त की लाइन चल रही थी उससे हटकर बयानबाजी कर रही है। तो
ये जो टूट थी, ये एक तरह की नाराजगी कहे या फिर दबाने वाला जो किस्सा है, वो कहीं ना कहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में शुरू हो गया था या उसके पहले शुरू हो गया था? देखिए, मैं ये नहीं मानता कि वो तकरार शुरू हो गई थी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि संघ हमेशा ये ध्यान रखता है कि जो उसकी राह पे चला है वो सही राह पे चले। और आपने जो ये कहा ना कि मुस्लिम भी आए आरएसएस में, ये मोहन भागवत के दिमाग की उपज नहीं है, ये इसके पहले ही, अभी जो इंद्रेश कुमार का आपने बयान सुना होगा ना, इंद्रेश जी ने कहा था कि राम ने सजा दे दी है, तो ये इंद्रेश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी मुस्लिम आंदोलन ये करीब पिछले 20-25 सालों से चल रहा है। और वो मुस्लिम समाज के बीच में जाकर के आरएसएस अपना काम करता रहा है। तो जो मोहन भागवत ने जो बातें की हैं, वो मैंने आपसे क्या कहा कि मोदी, नरेंद्र मोदी का कद जितना बड़ा होता गया, आरएसएस की चिंता उतनी ही धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो 2019 में भी नरेंद्र मोदी का कद बहुत बड़ा हो गया था, और जब 2014 में अचानक से लाल कृष्ण आडवाणी को हटा करके और नरेंद्र मोदी को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो नरेंद्र मोदी के तेवर के बारे में संघ को उस समय भी अंदाजा था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, लेकिन संघ को एक ऐसा आक्रामक व्यक्तित्व चाहिए था जो हिंदुत्व को लेकर के और पूरे देश में एक समा बांध सके। उसके उस समय आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी एक विकास पुरुष के रूप में भी देखे जा रहे थे, एक तरफ वो हिंदुत्व का बड़ा चेहरा थे तो विकास पुरुष के रूप में देखे जा रहे थे। जैसे आज योगी जी की जो स्थिति है कि वो एक हिंदू धर्म का वो लेकर के क्या कहते हैं उसको दंड लेकर के चल रहे हैं, और साथ में एक समाज में जो असामाजिक तत्वों की सफाई है उसका काम भी कर रहे हैं, तो लगभग इस तरह की स्थिति थी। लेकिन उनकी स्थिति थी कि विकास पुरुष के रूप में जिस तरह से उन्होंने गुजरात को बहुत आगे बढ़ाया था, तो संघ को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी। तो जब वो आए, लेकिन संघ फिर ये देखता है कि क्या सारी चीजें उससे पूछी जा रही है, कि अच्छा संघ अगर ये ना भी चाहे कि उससे पूछी जा रही है, तो संघ ये जरूर उम्मीद करता है कि उसको जानकारी दी जाए। और जब इसमें कमी आनी शुरू हुई, तब उसके बाद धीरे धीरे संघ ने, नहीं तो मुझे एक चीज बताइए कि मोहन भागवत जी ने अभी बात की है पूर्वोत्तर भारत की बात जो अभी की है उन्होंने, मणिपुर की खास करके, तो मणिपुर में तो एक साल से चल रहा है, बहुत शुरुआती दौर में जब हुआ था तब मोहन भागवत को ये बात कहनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उस समय तो नहीं कहा, उन्होंने एक इशारे से एक दो बार कहा जरूर, लेकिन जिस तरह से आक्रामक होकर के अभी उन्होंने कहा है वो उस समय कहना चाहिए था। तो संघ भी अपनी सुविधा देखता है, संघ को नरेंद्र मोदी का रास्ता चाहिए भी और संघ को नरेंद्र मोदी का कद नहीं भी चाहिए, ये दोनों ही चीजें हैं। दूसरी बात की, अब इनके मुखर होने का कारण एक ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार अपने सहयोगियों पर निर्भर सरकार है। नरेंद्र मोदी इस वक्त उतने पावरफुल दिखते भले ही हो, लेकिन सरकार के तौर पर वो उतने, व्यक्ति के तौर पर पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन सरकार के तौर पर वो उतने पावरफुल नहीं रह गए। तो ये जो जनता की भावना है, जो जनमानस के बीच की बात है, वो कहीं जब मोहन भागवत कहते हैं इस चीज को, तो वो जो वर्ग जिसको आप कहते हैं कि अहंकार के कारण वो वर्ग टूट गया बीजेपी से और उसने वोट नहीं दिया, तो जब मोहन भागवत ये सारी बातें करते हैं, तो वो जो खिसका हुआ, जो छिटक गया वर्ग है, उसको मोहन भागवत फिर जोड़ लेते हैं, वो फिर संघ के साथ जुड़ जाता है। तो इसमें एक पूरी रणनीति है, इसमें रणनीति चल रही है। जी सर, तो ये इस तरह की जो रिफ्ट बढ़ चुकी है दोनों के बीच, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये रिफ्ट कैसे शांत होगी? क्योंकि महाराष्ट्र में अभी भी देख लिया जाए तो विधानसभा के चुनाव होने हैं। आरएसएस ने ये कहा कि भाई आप अजीत पवार को अपने साथ में मत लो, लेकिन अभी भी अजीत पवार उनके साथ में है। तो क्या लगता है कि क्या आरएसएस की बात बीजेपी मानेगी महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में, यहाँ पर आरएसएस नहीं चाहता है कि इन सहयोगी को साथ में ना लिया जाए? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अभी बीजेपी ये बात मानेगी, इसलिए कि अगर चुनाव से पहले अजीत पवार फिर से निकल करके और अपने चाचा जी के पास चले गए, तो अजीत पवार का जो एक वैल्यू है वो
चीजों को तोड़ने तोड़ने फोड़ने में तो माहिर आदमी है वो। वो कंस्ट्रक्शन कुछ बना ना पाए, मूर्ति बना ना पाए, लेकिन मूर्ति तोड़ जरूर देंगे। तो ये बड़ी समस्या बीजेपी के साथ होगी, क्योंकि कुछ इलाके में जो महाराष्ट्र का कुछ इलाका है उसमें पवार बंधुओं का प्रभाव तो है, तो इसलिए शरद पवार पर एक नकेल कसने के लिए अजित पवार की जरूरत है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि संघ की बात अभी मान ली जाएगी। और दूसरी बात यह है कि संघ की बात अगर मान ली गई पूरी तरह से जैसा संघ कह रहा है, तो फिर वैसे में नरेंद्र मोदी को यह एहसास होगा कि उनका कहीं कद कम तो नहीं हो रहा है। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है। नरेंद्र मोदी की अपनी एक शैली है, नरेंद्र मोदी जब तक सत्ता में है वो उस शैली से चलते रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है जी। लेकिन सर एक चीज अगर देखा जाए कि ये चुनाव में ये भी चीज सामने आई है कि आरएसएस से पूछे बगैर कुछ फैसले लिए गए, और उन फैसलों से आरएसएस नाराज था। इसके वजह से कुछ जगहों पर यह भी देखा गया है कि आरएसएस ने उतना एक्टिवली बीजेपी का जो है प्रचार नहीं किया, और उसके वजह से ये लॉस हुआ है। खास तौर पर मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा लॉस हुआ है, और महाराष्ट्र जो है वो आरएसएस का हेडक्वार्टर्स भी है यूपी में भी। जी, तो ऐसे में अगर इस महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में आरएसएस के कहने के बावजूद भी अजीत पवार को अलग नहीं किया जाता है, तो क्या लगता है कि ये जो विधानसभा के चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में, इसमें भी उस तरह का नजरिया नजारा हमें देखने मिल सकता है? आरएसएस प्रचार नहीं करेगी, बीजेपी की सीट कम हो सकती है? बीजेपी के लिए इस समय महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो एक कठिन चुनौती है, बहुत आसान नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद वो इस बात पर ज्यादा ध्यान देंगे कि कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा, जिसको टिकट मिलेगा, उसमें शायद संघ की भूमिका ज्यादा होगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि संघ को कहीं ना कहीं एक जिसको तुष्ट करने की, संघ के तुष्टीकरण का कोई ना कोई रास्ता तो अपनाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि पिछले चुनाव में क्या हुआ, और बीजेपी के भीतर भी आप देखिए कि देवेंद्र फडणवीस का अलग रास्ता है, नितिन गडकरी का अलग रास्ता है, और संघ जो है वो नितिन गडकरी को भी अपने पाले में रखता है, देवेंद्र फडणवीस को भी अपने पाले में रखता है। तो मुझे लगता है कि कहीं एक समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, और टिकट का जो बंटवारा होगा उसमें शायद संघ की ज्यादा भूमिका होगी, ताकि संघ के कार्यकर्ता खुलेआम प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन संघ के कार्यकर्ता एक ताना बाना बुनने में बहुत माहिर होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सीधे सीधे अजित पवार पर कोई हमला न करके, क्योंकि अजित पवार बीजेपी के लिए कोई बड़ी ताकत नहीं बनने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के विरोधियों को पराजित करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, तो इसलिए वो बीजेपी के सहायक ही है इस समय। मुझे लगता है कि टिकट बंटवारे में ये कुछ कंप्रोमाइज होगा इसमें। लेकिन तो पिछले चुनाव में अजित पवार ने कुछ इतना बीजेपी का फायदा नहीं किया, जो सभा चुनाव के नतीजे है उसमें ये दिख रहा है कि बीजेपी का कोई फायदा नहीं हुआ है, बीजेपी का नुकसान ही हुआ है अजित पवार को साथ में लेके। अगर हम आरएसएस की बात हटा दें, आरएसएस को अगर साइड में रख दें, तो फिर भी जो आम जनता है उसके अंदर ये तो मैसेज गया है कि जिसको आप 72 घंटे पहले भ्रष्टाचारी कहते हैं वो आपकी पार्टी में आ जाता है और आप उसको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो बीजेपी के लिए दिक्कत अजित पवार को साथ में रखना और नहीं रखना, ये दोनों भी दिक्कत है। ये एक हिंदी में कहावत है कि भगवान हमारी एक आंख फूट जाए तो फूट जाए, दुश्मन की दोनों आंखें फूटना चाहिए, है ना? तो लगभग लगभग वही स्थिति है कि बीजेपी की एक आंख फूट रही है, लेकिन बीजेपी की चाहत ये रहेगी कि शरद पवार के दोनों फूट जाए। तो इसलिए शरद पवार को कमजोर करने के लिए ये बनाए रखेंगे उनको अपने साथ में। मुझे नहीं लगता कि अभी उनको हटा रहे हैं, कि हाँ कोई और कारण हो जाए और कहीं कुछ खेल ऐसा हो जाए कि वो वापस चले जाए चाचा के पास, तो वो एक अलग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कोई कोशिश करेगी कि वो चले जाए। लेकिन अजित पवार के चक्कर में कांग्रेस को बड़ा कर रहे हैं, कांग्रेस जो कि पिछले लोकसभा चुनाव में 2 सीटें लेकर चुनाव में नहीं, अजीत पवार के चक्कर में कांग्रेस बड़ी नहीं हुई है। जो बीजेपी का ये
बुरा हाल हुआ है वो उसका अपने कारण से हुआ है, क्योंकि मतदाता जो है ना, भारतीय मतदाता की एक बड़ी विचित्र स्थिति है, वो बड़ा सहानुभूति रखता है चीजों से। जैसे आपको याद हो कि इंदिरा गांधी को भारतीय मतदाता ने इतनी बुरी तरह से हरा दिया 77 में, है ना, और दो दो साल के भीतर जो है वो फिर लेकर के आ गए। क्यों? क्योंकि उन पर सत्ता ने भारतीय जनता की नजर में जुल्म करना शुरू कर दिया था। तो जिस तरह से इन्होंने तोड़ा मरोड़ा ना दूसरी पार्टियों को, तो उससे क्या है, आम आदमी नाराज हो गया कि यार ये बीजेपी यानी सुचिता, और बीजेपी का नारा भी था सुचिता, है ना, तो उससे आम आदमी नाराज हुआ है। तो जो वोट उनको नहीं दिया है ना बीजेपी को, बीजेपी से मतलब बहुत रुष्ट होकर के वो दूर चले गए हैं, ऐसा नहीं है, वो उनके नेताओं के हरकतों से नाराज होकर के मतदाताओं ने सबक सिखाया है, तो ये कारण है। और कांग्रेस ने क्या किया कि कांग्रेस ने चुपचाप लड़ाई लड़ी और बीजेपी के जो नेता थे वो बड़बोलेपन में रह गए, इस कारण से है। कोई ऐसा नहीं कि कांग्रेस बहुत मजबूती के कारण जीत गई है, ऐसा नहीं। कांग्रेस में आज भी कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसको आप कह सके कि साहब पूरे महाराष्ट्र के लेवल पर एक नेता है। बीजेपी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और कांग्रेस को मजबूत किया है। तो ये आप सही कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी हरकतों से कांग्रेस को मजबूत कर रही है। जी, और शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, आपने अपने विचार रखे, आपने बताया कि किस तरह से आरएसएस और नरेंद्र मोदी के बीच रिफ्ट जो है बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ और किस इसका असर आने वाले दिनों में कितना होगा और जो विधानसभा चुनाव है उसमें किस कारण भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है, इन सारी चीजों पर आपने अपनी राय रखी और इस शो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।